हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लास्ट चैप्टर में हमने देखी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या रिसोर्स और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आपको मैं पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट जो हैं या जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु है ना, तो उनको अपन वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं है ना, किसी न किसी तरह से हमको कुछ ना कुछ देते हैं है ना, और हमको उनसे जो एसेंशियल चीज़ें हैं लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो हमको वहाँ से मिलती हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। तो अब देखिए, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स है ना। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, तो अर्थ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही अर्थ है ना, सिर्फ ह्यूमंस इस पे रहते हैं। यहाँ पे मिलियंस, मिलियंस मतलब लाखों है ना, तो मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, बहुत सारे दूसरे लाखों लिविंग बींग्स हैं जो हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं। अब लिविंग बींग्स में क्या क्या आ जाएगा, सारे टाइप के एनिमल्स आ जाएंगे। एनिमल्स भी कैसे, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे लेके एलिफेंट, ब्लू व्हेल जैसे बड़े बड़े एनिमल्स तक भी है ना, जो कि बहुत बड़े हैं। साथ ही साथ अगर आप प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लाइक लाइकेंस हो गए है ना, तो वो भी, और बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ होता है, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स भी। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, फंगस टाइप होता है। चलिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ लाइकेंस क्या होता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक प्लांट के ऊपर एक दूसरे छोटे 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 प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं है ना, इन्हीं को हम लाइकेंस बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स या जो दूसरी चीज़ें हैं वो रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं है ना। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, लाइक मिल्क के लिए है ना, खाने के लिए हम बहुत सारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं है ना। प्लांट्स भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होते हैं भाई, उनका हम देखभाल करते हैं है ना। एनिमल्स की भी हम देखभाल करते हैं है ना। या अब देखिए, तो ये हमेशा कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड हो है ना, सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस अकेला सर्वाइव कर रहा है ना, वो क्या है, बहुत बहुत सारे तरीकों से दूसरी चीज़ों पर निर्भर है और डिपेंडेंट है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल द प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। देखिए जरा, बहुत सारे प्लांट क्या, बहुत हर एक प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है और हमको रिटर्न में देता है ऑक्सीजन, और वो सी ऑक्सीजन की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है ना। विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ब्रीथ करना या सर्वाइव करना। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस, अच्छा जो पानी हम पीते हैं है ना, उसको भी काफ़ी हद तक क्लीन करने में बहुत सारे प्लांट्स का योगदान होता है ना। और साथ ही साथ देखिए, सॉइल जो होती है, जिस सॉइल पे हम खेती करते हैं उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। अगर ह्यूमस नहीं होगा ना, तो वो जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी। और ह्यूमस क्या है, ह्यूमस वो कंटेंट है, जैसे डेड प्लांट हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, तो वो जब रूट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं ना, तो वो मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो जाते हैं, लाइक राइजोबियम हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी, जो फर्टिलिटी है, वो डाउन हो जाती है। ठीक है, ओके। सॉइल दैट प्रोड्यूस फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट। देखिए जरा, फॉरेस्ट जो हैं, जो जंगल हैं, वो क्या हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है, देखिए अर्थ पे क्या होता है, ह्यूमंस अपना खाना खुद बनाता है क्या? आप बोलोगे खाना बनाना मतलब किचन में बनाना नहीं है ना, जो दाल हैं, सब्जियाँ हैं, वो तो आप नहीं बना सकते ना, कहाँ से मिलती हैं हमको, प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट ही हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो अगर फूड जनरेट करते हैं, उस फूड को खाते हैं हम है ना, उस फूड को खाते हैं तभी लाइफ चलती है। आप बोलोगे नॉनवेज, तो नॉनवेज भी कैसे बनेगा, जो एनिमल्स हैं है ना, एनिमल्स थोड़ी ना, एनिमल्स भी तो खाना खाते हैं ना। एनिमल्स क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं वो भी, या दूसरे टाइप के फल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन प्राइमरी फूड अगर कुछ है, तो वो हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है,
प्लांट से प्राप्त हो रहा है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर आप किसी को कहेंगे तो प्लांट्स को कहेंगे। उसके बाद फिर जो फूड चेन अगर आपने पढ़ी हो, ऑब्वियसली पढ़ी होगी, एक के बाद एक एनिमल दूसरे एनिमल को, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल को खाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? प्लांट्स हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या होती है। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस। देखिए जरा, बायोडायवर्सिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, और साथ ही साथ उनके बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, कुछ एक किलोमीटर में फैला हुआ है, वहाँ पर एक वाटर का सोर्स है, कुछ भी हो सकता है, लाइक एक तालाब है, कोई रिवर है ना, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैटल्स रहते हैं, है ना, कुछ ह्यूमंस रहते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स रहते हैं, तो और वो सारे क्या हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो उस पर्टिकुलर एरिया का एक सिस्टम बन जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया की इकोलॉजी ऐसी है, है ना, वहाँ का क्लाइमेट एक स्पेसिफिक रहेगा, कैसा क्लाइमेट रहता है, तो यही सब। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम, आगे चलते हैं, क्या लिखा है, फ्लोरा एंड फूना इन इंडिया। देखिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, फ्लोरा एंड फूना क्या होता है। फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा, है ना, और फूना होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला जो एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं फूना। आपने ध्यान दिया होगा हर एक एरिया में अलग अलग टाइप का फ्लोरा फूना पाया जाएगा। जैसे अगर आप केरला जाएंगे तो वहाँ अलग टाइप के प्लांट्स देखने को, रबर प्लांट्स देखने को मिलता है और दूसरे अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप राजस्थान जाइए तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बबूल जैसे प्लांट देखने को मिलेंगे, है ना। मध्य प्रदेश आइए, यहाँ पे आपको सागौन वगैरह देखने को मिलेगा। तो आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहाँ पे आपको अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेट है या दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर। साथ ही साथ अगर आप बात करें फौना एनिमल्स की, तो एनिमल्स भी देखिए आप अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज़ में अलग अलग एनिमल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइगर आपको हर जगह देखने को मिलेगा, है ना, या जो बर्ड्स होते हैं अलग अलग टाइप के बर्ड्स आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। एनिमल आपके एलिफेंट हो गए, वो भी किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चीता हो गया, है ना। तो हर एक टाइप का जो एनिमल या प्लांट है वो एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको ज़रूरत होती हैं और वहीं पे वो पाया जाता है, है ना। तो ये पर्टिकुलर टाइप के जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जब वो पाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है कि इस एरिया का एक फ्लोरा एंड फौना है, है ना। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड that there are some animals and plants which are unique in your area. हर एक एरिया का अपना अपना यूनिक होता है वहाँ के क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से। In fact, India is one of the world richest country in terms of its vast array of biological diversity. ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इंडिया एक बहुत vast country है, बहुत बड़ा country है और बहुत rich है बायोडाइवर्सिटी के केस में। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब, देखिए जिस एरिया में जितने ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स पाए जाएंगे उसको बोला जाएगा कि ये इतना ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, ना, जितने ज़्यादा मैक्सिमम टाइप के आपके प्लांट और एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे तो उनको बोलेगा बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। और जहाँ पे एक या दो तीन टाइप के ही सिर्फ प्लांट एनिमल्स पाए जाएंगे, है ना, ज़्यादा वैराइटीज़ जहाँ नहीं मिलेंगी, तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम पुअर बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया कैसा है, एक रिच बायोडायवर्सिटी वाला कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस ऑफ द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। क्या बोल रहे हैं, संभव है, इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जितने टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को हमने अभी डिस्कवर किया है, हो सकता है कि एक्चुअल नंबर जो इंडिया में पाया जाता है वो इससे ट्वाइस या थ्राइस हो, दो या तीन गुना हो, है ना। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुए हैं, है ना, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हुई है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडाइड इन डिटेल्स अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। अब देखिए, हाँ पिछली क्लासेस में है तो इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, अगर आप पुराने वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। एक्सटेंट एंड वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैरायटी जो प्लांट्स की या फॉरेस्ट की पाई जाती है वो इंडिया में रहते हैं।
यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन अवर डेली लाइफ. दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन अवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिविटी टू अवर ह्यूमन एनवायरमेंट. देखिए जरा, ये जो फ्लोरा फौना है वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है, है ना. इंटीग्रेटेड होने का मतलब है हमसे जुड़ा हुआ है. कैसे जुड़ा हुआ है? क्यों? क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, है ना, हमारा जो सर्वाइवल है उसके लिए कहीं ना कहीं ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं हमको देते हैं. और अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत हद तक कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और वो कंफर्ट लाइफ जो हम जी पा रहे हैं वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है, है ना. इसके कई एग्जांपल हैं. सबसे मेन तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, है ना. प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हमारा जीना पॉसिबल नहीं होगा, है ना. बहुत सारे एनिमल्स जिनसे हमको अलग अलग टाइप की मेडिसिन या मीट मिलता है, है ना. ट्रीज से हमको बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं. तो आप समझ सकते हैं कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. ओके, सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट. अब देखिए जरा, थ्रेटन्ड लिस्ट क्या होती है? क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या है कि खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, ठीक है. उन पे देखिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा, या ध्यान जा भी रहा है तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लीजिए कुछ एनिमल्स होते हैं उनका स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, है ना. तो ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा मारा जाएगा किसी जानवर को तो वो किसी ना किसी दिन खत्म हो ही जाएगा, ना. तो थ्रेटन लिस्ट का मतलब है एक ऐसी लिस्ट जिसमें उन एनिमल्स और प्लांट्स के नाम हों जो कहीं ना कहीं जिनको खतरा है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ सालों में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे. उनकी पूरी जो वैरायटी है उसको ह्यूमन ख़त्म कर देगा, है ना, शिकार के द्वारा या प्लांट्स हैं तो काट के. तो ऐसी लिस्ट, ऐसे जो प्लांट और एनिमल्स हैं उसको हम बोलेंगे कि वो किस में है, थ्रेटन्ड लिस्ट में है, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं. मैनी ऑफ दीज, अच्छा कितना परसेंट है, एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड फ्लोरा. इंडिया में जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, उसका 10% जो है थ्रेटन्ड लिस्ट में है, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं. और 20% जो मैमल्स हैं, मैमल्स जानवर फौना, है ना, वो ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं. मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लाइक द चीता. अब देखिए इसमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ख़त्म होने की होने वाले तो हैं, लेकिन अभी टाइम है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, ना. पर कुछ ऐसे हैं बहुत क्रिटिकल स्टेट पे हैं. मान लीजिए कोई जानवर ऐसा है जिसके गिने चुने कुछ 100, 50 या 200 इतने ही जानवर वो बचे हुए हैं हमारे देश में या अर्थ पे, तो वो क्या है, वो एक क्रिटिकल स्टेज मानी जाएगी, है ना. उसको अगर आप नहीं बचाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएगा. जैसे मैनी ऑफ दिस भी हाँ क्या क्या है यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं. चीता आपने देखा है, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्विल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट एंड हाँ, तो ये कुछ जानवर हैं. चलिए मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे. ओके, तो ये भाई साहब को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना. ये है चीता, है ना. तो ये कहाँ है, बिल्कुल एक्सटेंडेंट की कगार पे खड़ा हुआ है, ना, ख़त्म होने वाला. गिने चुने, गिनती हो जाती है इनकी, आप गिन सकते हो पूरे देश में कितने चीता टोटल हैं, है ना. इसके अलावा फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, है ना, ये क्या होता है, ये देखिए, ये फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट है ना, उल्लू जो होता है वही है. इसके अलावा पिंक हेडेड डक और माउंटेन क्विल. देखिए पिंक हेडेड डक क्या होती है, ये देखिए, ये पिंक हेडेड डक है जिसका पिंक कलर का सर होता है. और इसके अलावा ये क्या है आपकी, माउंटेन क्विल, है ना, एक पक्षी होता है, चिड़िया होती है. तो ये कुछ जानवर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे हैं, है ना, कोई गिनती नहीं है इनकी. बहुत सारे एक्सटेंशन की कगार पर खड़े हुए हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ सालों में अगर इन पर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो, है ना. अच्छा, इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी हैं, लाइक अब प्लांट कौन कौन से हैं, प्लांट लाइक मधुका इनसिग्निस, ठीक है. महुआ अगर आपने सुना हो, महुआ का एक पेड़ होता है ना, तो इसकी एक जंगली वैरायटी है जिसको अपन बोलते हैं मधुका इनसिग्निस, है ना. महुआ देखिए एक इस टाइप का ट्री होता है जिसका जो फल होता है ना, छोटे से साइज का फल होता है, उससे लिकर बनाई जाती है, जो एक देसी शराब होती है, कच्ची शराब जिसको हम बोलते हैं, वो इसके द्वारा बनाई जाती है. और जो जंगली या आदिवासी लोग होते हैं वो उसको काफ़ी शौक से पीते हैं, है ना. तो उसका उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट. अब देखिए जरा, ये तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, लेकिन
बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं चला कि ये कभी थी भी और वो लॉस्ट भी हो गई हैं, है ना। तो इनका नंबर किसी को नहीं पता कितनी है, ये हज़ारों में हो सकती हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। टुडे वी ओनली टॉक ऑन द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट वॉट अबाउट स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट एंड प्लांट। देखिए आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो उन प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका साइज काफ़ी बड़ा है, जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं पहचानते हैं और थोड़ा सा उनका महत्व हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं है। तो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, है ना, माइक्रो प्लांट हैं जो कभी डिस्कवर भी नहीं हुए या जिनका हमारी लाइफ में ज़्यादा रोल नहीं है, वो बिना डिस्कवर हुए ही एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट एनिमल हो सकते हैं जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो हमको क्या ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स गवर्नमेंट चलाती है, वो हम इस चैप्टर में अगर होंगे तो आगे चल के देखेंगे। ओके अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके थोड़ा सा और यहाँ पे कवर करते हैं फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो इतना हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है, विच इज़ 24.56% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का 32 करोड़ के अराउंड है, 32 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, तो उसका 24.56% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो हमारा फॉरेस्ट कवर में आता है, उतनी जगह पे हमारे यहाँ जंगल हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का जो एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए अगर आपको बेटर एटमॉस्फेयर चाहिए तो, लेकिन हमारे यहाँ कितना है 24.56% जो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और टाइम टाइम पे इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं, है ना। अब देखिए जरा 24.56% जो फॉरेस्ट कवर है उसमें आपका 12.4% तो डेंस फॉरेस्ट कितना है 12.4% घने जंगल, इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट है ना जो थोड़ा सा ज़्यादा डेंस नहीं है वो 9.26% है एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं 0.15%। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज बाय 3,976 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2007। तो क्या बोला उन्होंने 2017 से लेके अब तक 3,976 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है डेंस फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ है, हाउएवर दिस अपीरेंट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर मैनेजमेंट इंटरवेंशन एंड प्लांटेशन एटसेट्रा। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बचाने के लिए जो प्लांट्स चलाए जा रहे हैं उनका योगदान तो है ही है इसके बढ़ने में, साथ ही साथ और किस किन किन चीज़ों का योगदान है, प्लांटेशन हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में आजकल, प्लांटेशन गवर्नमेंट करवा रही है जिससे कि फॉरेस्ट को बढ़ाया जा सके, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कुछ हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए हमने बात तो की थी कि बहुत सारे जानवर एक्सटेंशन पर है, पर जो लेवल ऑफ एक्सटेंशन है ना, किसी को ज़्यादा खतरा है किसी को कम खतरा है, जो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं तो उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है ना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।